हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं और इसके लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। ये हमने 1 मीटर फैब्रिक ली है और ये हमने 5 मीटर फैब्रिक ली है। 1 मीटर फैब्रिक हमने लहंगा के बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए ली है। आप 1 मीटर फैब्रिक किसी भी कलर की रख सकते हैं, जो भी कपड़े से मैच हो। सबसे पहले हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है अर्ज में कपड़े को फोल्ड करके। लेंथ हमने इस पीस की 5 इंच ली है और फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी। सिल के तैयार 2 इंच की ये बेल्ट होगी। बेल्ट की चौड़ाई कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। कमर मेजरमेंट है 36 इंच और इसका हाफ हुआ 18 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है तो यहाँ पे हम 18 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करनी है। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, कमर है हमारी 36 इंच और इसका हाफ हुआ 18 इंच। हमने यहाँ पे 18 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच फैब्रिक हमें लूजिंग के लिए और फोल्ड करने के लिए ऐड की है। तो जो बेल्ट है वो हमने 20 इंच ली है फोल्ड करके। और इसके बाद जो हमारी बची हुई फैब्रिक है, इसे हमें चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड करके रखना है। ये हमारी 5 मीटर फैब्रिक है और हमने इसे चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड कर लिया ताकि ये कैमरे में कवर हो जाए। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। हमारी जो ये लेंथ है टोटल 41 इंच आ रही है और हमारा जो ये पीस है 40 इंच का तैयार होगा। 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी तो जो हमारा लहंगा है 42 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 इंच फैब्रिक बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए सिलाई के लिए ऐड की है। और फ्रेंड्स, लेंथ आप लहंगे की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लें। चौड़ाई आप जितनी चाहें रख सकती हैं। चौड़ाई यहाँ पे हमने 5 मीटर ली है, आप 6 से 7 मीटर भी ली सकती हैं। अब हमने ये प्लेन फैब्रिक ली है और प्लेन फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया हुआ है अर्ज में। और इस कपड़े का अर्ज 1 मीटर है और यहाँ पे हमने 8 इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ की है। 8 इंच पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है और हमें यहाँ पे 5 पीस कट करने हैं 8 इंच लेंथ के। तो यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हम बॉटम पार्ट है इस प्लेन फैब्रिक से डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने चौड़ाई 8 इंच ली है और ये बॉर्डर हमारा सिल के तैयार 7 इंच का होगा। आप इसकी लेंथ अधिक भी रख सकती हैं और इसकी लेंथ आप कम भी रख सकती हैं। तो हमें यहाँ पे 5 पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पीस कट कर लिए हैं। 2 पीस और आप कट कर सकती हैं। यदि आपके पास चौड़ी लेस है तो बॉटम पार्ट पे आप वो चौड़ी लेस भी ऐड कर सकती हैं। फिर आपको प्लेन फैब्रिक का बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम प्लेन फैब्रिक से ही बॉर्डर को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 5 पीस कट किए हैं। 1 पीस की चौड़ाई 1 मीटर है और अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने ये प्लेन फैब्रिक ली है और प्लेन फैब्रिक को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है। बैक साइड की तरफ से हम इस फैब्रिक को रखेंगे और अब हमें ये पीस लेने हैं जो हमने कट किए थे। पहले आप ये सिल लें। तो यहाँ पे हमने ये सिल लिए हैं 5 पीस और इस फैब्रिक को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और ये पीस भी हमें बैक साइड की तरफ से ही रखने हैं ऐसे। और इसके बाद आप सिलाई लगा लें। ये सिलाई हमें पूरे बॉटम पार्ट पर ही लगानी है 5 मीटर तक और सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, आप देख सकती हैं। और इसके बाद अब हम इस पीस को ऐसे सीधा करेंगे। तो हमें इस पीस को सीधा करना है और जो हमने ये पीस ऐड किया है इस फैब्रिक में, इस पीस को भी हम सीधी तरफ ही ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमें इस पीस को 1/2 इंच के करीब ऐसे फोल्ड करना है ऐसे और सिलाई लगानी है। जब आप ऐसे सिंपल ही सिलाई लगाएंगी तो इसमें काफ़ी झोल आएगा। सिलाई लगाने से पहले आप इसे पिनअप कर लें
पूरी फैब्रिक को ही आपको पिनअप करना है ऐसे फोल्ड करके। और यदि आप पिनअप करना नहीं चाहती हैं तो पहले आप इसे सुई धागे से कच्चा कर लें, इससे और भी आसानी रहेगी सिलाई लगाने में। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है, पूरी फैब्रिक को ही हमने फोल्ड किया है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ से साइड से लेंथ की तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पे हम चैन लगाते हैं वहाँ पे हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हम 4 इंच तक करेंगे, दोनों तरफ आप इसे फोल्ड कर लें क्योंकि ये एक ही पीस है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट को भी फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें साइड से बेल्ट को भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। आप देख सकती हैं ऐसे आप बेल्ट को फोल्ड कर लें, और दूसरी तरफ से भी हमें बेल्ट को ऐसे ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है। अब बेल्ट को हम ऐसे सीधी तरफ से रखेंगे और इस फैब्रिक को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है। और अब हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। फैब्रिक हमारी 5 मीटर है और यहाँ पे हम ऐसे प्लेट्स भर रहे हैं। और इस फैब्रिक में प्लेट्स हम 2-2 इंच की भरेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें 2 इंच की प्लेट्स भरनी है। और ध्यान रखें जब भी आप ये प्लेट्स भरें, सिलाई आपको एक ही सीध में लगानी है, इससे फिनिशिंग भी आएगी और बेल्ट में झोल भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने शुरुआत में 1/2 इंच फैब्रिक रखी है सिलाई में, तो लास्ट तक आपको 1/2 इंच फैब्रिक ही रखनी है। और इसी तरह से आप पूरी बेल्ट में ही ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं, आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से हमारी ये प्लेट्स भर के आई हैं। देखिए इस तरह से हमने लास्ट तक इसमें प्लेट्स भरी हैं। और अब हमें बेल्ट को फिर से फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पर रहेगा और दूसरा फोल्ड 2 इंच पर होगा। ऐसे हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो अब ये सिलाई हम सीधी तरफ से लगा रहे हैं, तो हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, पहले हम बेल्ट को 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड 2 इंच पर रहेगा और अब हमें सिलाई लगानी है। तो ये बेल्ट को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकती हैं। और इस तरह बेल्ट लगाने से बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो आप ऐसे पूरी बेल्ट को ही सिल लें। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट को सिल लिया, आप देख सकती हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी से आई है। और अब हमने इसे बैक साइड की तरफ से फोल्ड किया है और बैक साइड की तरफ से ही हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने साइड से फैब्रिक फोल्ड की थी 4 इंच के करीब, यहाँ से हमें 3.5 इंच वो छोड़नी है और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें अब साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही अब आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। और जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए और इससे फिनिशिंग भी अच्छे से आती है, कपड़े में झोल भी नहीं आता है। और फ्रेंड्स, जो हमारे लहंगा बनाने का मेथड है ये बहुत ही आसान है, फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। और जो हमारा ये लहंगा है सिल के, अब हमारा ये कम्प्लीट हो गया है, आप देख सकती हैं बहुत ही सुंदर बन के आया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।